our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही हूँ, आज हमारे घर मेहमान आए हैं तो बस उनके लिए अर्जेंट कुकिंग की तैयारी हो रही है। और अर्जेंट कुकिंग की तैयारी फिर ऐसी होती है, एक चूल्हे पर एक चीज़ चढ़ी होती है, दूसरे चूल्हे पर दूसरी चीज़ चढ़ी होती है और बस फटाफट बंदा कर रहा होता है। लेकिन मैं जब भी अर्जेंट मेहमान आए या जैसे भी आए, मैं मेहमानों से कभी भी नहीं घबराती हूँ। बस मुझे ये खुशी होती है कि अल्लाह ने मेहमान भेजा है तो इसका मतलब अल्लाह मुझसे खुश है और अल्लाह ने हमारे घर मेहमान भेज दिया है। और इस वजह से फिर जो मैं मेहमानों के लिए तैयारी करती हूँ तो वो मैं बहुत खुशी खुशी से करती हूँ। और जो चीज़ खुशी से बनाए वो इतनी जल्दी तैयार हो जाती है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता और चीज़ तैयार हो जाती है। आज मैं बहुत अहम टॉपिक पे बात करने लगी हूँ और मैंने नोट किया है कि मैं जिस दिन भी जिस टॉपिक पे भी बात करती हूँ, आप लोग मेरी वो वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोग की शुक्रगुजार हूँ। और मुझे पता चल रहा है कि आप लोग जो है ना मेरे जो टॉपिक होते हैं उनको पसंद कर रही हैं, तो मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाती रहूँगी और साथ अपनी डेली रूटीन भी दिखाऊँगी और विलेज लाइफ भी दिखाऊँगी। और नेक्स्ट जो व्लॉग मेरे आ रहे हैं वो विलेज की आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना आप लोग वो वाली व्लॉग भी बहुत इंजॉय करेंगे। आज मैं बहुत अहम टॉपिक पर बात करने लगी हूँ, वो टॉपिक हम औरतों के लिए है कि हम औरतें जो होती हैं सब का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल भूल जाती हैं कि हम लोग जो है ना ख़ुद कहीं गुम हो रहे हैं। और ख़ुद को गुम होने ना दें, जब आप गुम हो गई हैं तो फिर आप बिल्कुल ही गुम हो जाएंगी। और आप जो इतने अपने जो प्यारों का ख्याल रखती हैं तो आप ये भूल जाती हैं कि जो है ना कि हम लोग ठीक होते हैं तो अपनों का ख्याल रख रहे होते हैं। जब हम लोग चारपाई पर पड़ जाएँ तो फिर उन अपनों का हम ख्याल नहीं रख सकते, बस हम उन्हें देख देख के कूड़ ही रहे होते हैं, लेकिन हम उनका ख्याल नहीं रख सकते और हमारी बीमारी इतनी तवील हो जाती है कि फिर वो जो है ना वही प्यारे जिनका हम बहुत ख्याल रखते होते हैं और जिनका जो है ना हर चीज़ का हम लोगों ने ख्याल रखा होता है, वही फिर तंग होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बीमार बंदे से लोग बहुत जल्दी तंग आना शुरू हो जाते हैं, ये दुनिया की रीत है। अगर हम कहें कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ऐसे होता है, तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को मुरझाने ना दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। क्योंकि अपना ख्याल रखेंगी तो सारे निज़ाम चलते रहेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो सारे निज़ाम ठप हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, खाना पीना टाइम पे खाया करें। क्योंकि खाना पीना जब टाइम पे नहीं होता है तो फिर उससे भी जो होता है ना हमारे लिए बहुत से मसले मसाइल बन जाते हैं। इसलिए टाइम पे नाश्ता किया करें, जो नाश्ते का टाइम है उस पर नाश्ता करें और जो खाने का टाइम है उस पर खाना किया करें। रात को जल्दी सोया करें ताकि सुबह जल्दी आँख खुले। और सुबह की जो होती है ना बहुत जो टाइम होता है इसमें अल्लाह ताला ने सेहत डाली हुई है, क्योंकि जो रात है ना वो सोने के लिए है। और रात को अगर हम लोग टाइम पे सो जाते हैं तो तब भी हमारी सेहत अच्छी होती है। और जो हम टाइम पे सुबह उठ जाते हैं और सुबह के टाइम को एंजॉय करते हैं, ये सुबह के टाइम में बहुत बरकत है। एक तो हमारे काम टाइम पे हो जाते हैं और दूसरा जो सुबह की ताज़ी हवा है वो मिलने को वो बंदे को मिल जाती है। और जो एक सुस्ती होती है ना वो जो है ना वो बिल्कुल नहीं होती है। अगर जो लोग सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो है ना अपने काम करते हैं तो टाइम पे उसके उनके काम ख़त्म हो जाते हैं, टाइम पे वो नाश्ता कर लेता है, टाइम पे उसके खाना बन जाता है और रात को भी टाइम पे उनके खाने बन जाते हैं। तो जब हमारा खाना टाइम टाइम पर हमें मिलेगा तो हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर खाना टाइम पर नहीं मिलता है तब भी बंदे की सेहत बहुत ख़राब हो जाती है। जहाँ पे सेहत की बात होती है तो सेहत की बात के साथ हमारी स्किन की बात भी लाजमी आ जाती है। सेहत अच्छी होगी तो हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी, हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे। ज़्यादातर हमारे जो स्किन का और बालों का जो दारोमदार होता है ये हमारे खाने पीने पे होता है। अगर खाना पीना हमारा सही रहता है, टाइम पे हम लोग खाना खाते हैं, टाइम पे हम फ्रूट खाते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारी स्किन भी अच्छी रहती है, फ्रेश रहती है और जो हमारे बाल होते हैं वो भी अच्छे रहते हैं।
और स्किन के साथ जो है ना, मैं कहती हूँ तजर्बे बहुत ज़्यादा ना किया करें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा तजर्बे होते हैं इससे स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। मैं कहती हूँ बस 2-3 क्रीमें यूज़ किया करें, जैसे जो है ना फेस वॉश हो गया, या सन ब्लॉक हो गया, या जो क्रीम आप लोगों के चेहरे पे सूट कर रही है। तो मैं तो यही आप लोगों को कहूँगी कि अपने जो है ना डॉक्टर के पास जाया करें, स्किन स्पेशलिस्ट से, तो उनसे लिखवा लिया करें कि कौन कौन सी चीज़ आप लोगों पे सूट करती है, तो वो फिर यूज़ किया करें। और ज़्यादा जो ये लोकल प्रोडक्ट होते हैं ये ना यूज़ किया करें, इससे स्किन बहुत ख़राब हो जाती हैं। बस अपना ख्याल खुद ही रखा करें, जैसे कि गर्मियाँ हैं, पाँव बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो हफ्ते में एक दफ़ा ऐसे किया करें कि पाँव को जो है ना अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। थोड़ा सा टप में पानी लेके, नीम गर्म पानी लिया, उसमें नींबू डाला, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाला, ब्लीच पाउडर डाल दी, और पाँव को कुछ देर जो है ना उसमें रख लिए, और उसके बाद जो है ना हल्के हाथों से, हल्के ब्रश से जो है ना अपने नेल्स को साफ़ कर लें, तो आपके पाँव जो है ना इतने अच्छे लगेंगे। ये छोटे छोटे टोटके जो होते हैं ये हम लोग घर में भी कर सकते हैं। आयुर्वेला हमारे घर में होता है, बेसन हमारे घर में है, बलाई हमारे घर में, ये छोटे छोटे जो होते हैं टिप्स होते हैं ये यूज़ किया करें। ये जो रंग बिरंगी जो क्रीमें होती हैं इनको यूज़ ना किया करें। जिस तरह हम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हम अपनी स्किन का भी ख्याल रखें, तो स्किन हमारी माशाल्लाह से अच्छी रहेगी। ये मेरे पुलाव तैयार हो गया है, बहुत यम्मी पुलाव बना था, और साथ मैंने जो है ना बनाया था चिकन कढ़ाई बनाई थी, और वो भी मेरी बहुत मज़े की बनी थी। ये बहुत अर्जेंट ये चीज़ें बनी थी, और अर्जेंट जब चीज़ें होती हैं तो वो बनानी बहुत आसान होती हैं। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इंशाल्लाह जो है ना कम टाइम पे हम लोग कैसे जो है ना जल्दी खाना बना लेते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हम अपनी माओं से सीखते हैं, और जो है ना हमारी माएँ हमें सिखाती हैं, और इस तरह हम लोग सीख के आगे जाते हैं। और जिस वक्त हमारी माएँ ज़िंदा होती हैं, जिन लोगों की ज़िंदा हैं, तो उन लोगों के लिए तो तब तो हमें उनकी हर बात बुरी लगती है, और जब वो नहीं होती है तो हम जो है ना खुद बखुद जो है ना उन्हीं के टिप्स पर चल रहे होते हैं। तो मज़ेदार सा जो है ना, ये देखिए मेरा चिकन कढ़ाई भी तैयार हो गया। और मैं जब भी जो टॉपिक भी शुरू करती हूँ वो इतना वसी हो जाता है कि मेरे लिए समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं इस टॉपिक को भी अब समेटूँगी। हम लोग गांव जा रहे हैं, और अगले जितने भी लोग आएंगे वो विलेज में लोग होंगे। और जो है ना एंड में मैं यही कहूँगी सब के लिए कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, अपने आप को मुरझाने ना दें। हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, ये जो बात है ना ये आप लोग अपने साथ बांध लें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।